हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रिस्ट विद लॉ, दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो दोस्तों, आप सब ने सुना होगा कुछ एडवोकेट होते हैं, कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, कुछ सीनियर एडवोकेट होते हैं। ये क्लासिफिकेशन करता कौन है और किस बेसिस पर होता है, और क्या ये बेसिस कितना सही है और गलत, ये क्वेश्चन सालों साल पुराना और ये डिस्कस हुआ था इन द केस इंदिरा जयसिंह वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, EIR 2017। तो दोस्तों, इस केस में इंदिरा जयसिंह ने एक रिट पिटीशन मूव किया सुप्रीम कोर्ट में ही, और उस रिट पिटीशन में ये कहा गया कि ये जो डेजिग्नेशन जो होता है सीनियर एडवोकेट्स का अंडर द सेक्शन 16 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, तो उसमें वो आर्बिट्ररी है और वो अनरीजनेबल है, और इसका कोई मतलब इट्स देयर इज नो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, तो इसको हटाना चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड, वो उनका डिमांड था कि एक सिलेक्शन कमेटी बनानी चाहिए, विच शुड हैव रिप्रेजेंटेशन बोथ फ्रॉम जुडिशरी एज वेल एज द बार। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस लेड आउट करने चाहिए जिसमें प्रो बोनो वर्क, PIL, इन चीज़ों को देखा जाए। और दिस वॉज नॉट इंदिरा जयसिंह जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी, इनका गुजरात बार एसोसिएशन ने भी एक पिटीशन फाइल किया था गुजरात हाईकोर्ट के सामने, एक दिल्ली हाईकोर्ट में एक इसी तरह की पिटीशन पेंडिंग थी, एक मेघालय हाईकोर्ट में पेंडिंग था। तो ये सारे जो रिट पिटीशन थे उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सुना गया। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास किस आर्टिकल, किस प्रोविजन से आती है कि कैन क्लब सिमिलर मैटर्स एंड हियर एंड डिस्पोज ऑफ बाय इटसेल्फ, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस केस, तो दोस्तों इसमें यही आर्ग्यूमेंट कहा गया इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट सुनने से पहले, और ये कंटेंशन लोगों के ये थे, सबसे पहली बात तो ये कंटेंशन, मेन कंटेंशन ये था कि दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। दोस्तों, द पिटिशनर डिड अग्री कि आर्टिकल 14 अलाउज क्लासिफिकेशन, बट देन इट शुड बी हैव एन इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन, उसका एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। अब उनका ये कहना था कि जो एडवोकेट्स होते हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये अनरीजनेबल है। दूसरी बात, उसमें आर्टिकल 14 में जो क्लासिफिकेशन कोर्ट ने बचाया था, उसमें कोर्ट ने ये भी कहा था कि देर शुड बी, जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए इट शुड अचीव द नेक्सस। अब कहना ये था कि यहाँ कोई नेक्सस है ही नहीं, आप इस क्लासिफिकेशन से करना क्या चाहते हो, वो कोई नेक्सस है ही नहीं, तो क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो। और इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि अब एक आप ही एक बात बताइए, लेट्स से वी आर लिटिगेंट, हम अप्रोच करें, हमें कोई केस लड़ना है, किसी एडवोकेट को हायर करना है, तो अगर कुछ एडवोकेट को कोर्ट खुद डेजिग्नेट करिए सीनियर एडवोकेट और कुछ को नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली एज अ पब्लिक हमें ये लग परसेप्शन आएगा कि दीज आर मोर केपेबल, और लोग उसी उन्हीं के पास जाएंगे। तो ये जो एडवोकेट जो डेजिग्नेट नहीं हुए हैं, दे आर वो अनफेयर डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग चूंकि कम है तादाद में, तो दे विल चार्ज हाई फीस, तो जो पब्लिक है वो अल्टीमेटली सफ़र कर रही है। तीसरी बात, एक जो क्लब बन गया है जो इन सीनियर एडवोकेट का, और इनका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, तो देर इज अ फियर, मतलब जो रीजनेबल बायसनेस हो जाती है कि कोर्ट और इनके बीच में कोई रीजनेबल बायस हो जाएगा, कोर्ट इनकी ज़्यादा सुनेगा, ये कोर्ट के फेवरेट हैं, तो इस तरह के अप्रिहेंशन आते हैं। और एक अलग आर्टिकल, अगेन फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 14 इटसेल्फ, और एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट उनका था कि आर्टिकल 18 क्या कहता है दोस्तों ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज कि द स्टेट कैन नॉट कॉन्फर टाइटल, ठीक है। I agree that while performing the judicial function, the judiciary doesn't fall under state. But जब वो designate करे किसी को senior advocate का title, it's not a judicial function, it's the administrative role. और जब court अपना administrative role perform करती है, तो it acts as a state. तो basically court क्या कर रही है, उसमें senior advocate एक title confer कर रही है, और ये title वो लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं। Unlike भारत रत्न और वो सब जो केसेस हैं, जो भारत रत्न या पद्मश्री, ये टाइटल कहीं लगाते नहीं, कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ये लिखा जाता है। आई हैव नो बायसनेस अगेंस्ट हरीश सालवे जी, लेकिन कोई भी सीनियर एडवोकेट के साथ मतलब वो अपना टाइटल यूज करते हैं। तो ये सब कंटेंशन इन पिटिशनर ने कोर्ट के सामने रखे। अब कोर्ट ने पहले एनालाइज किया कि बाकी नाइजीरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, आयरलैंड में क्या, मतलब ये सब कैसे डेजिग्नेशन होता है। तो हर जगह कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि ये जो सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज, और ये कॉन्फर किया जाता है जो वहाँ पे जो सबसे बड़ी तादाद, जो सबसे अच्छे, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एडवोकेट्स हैं। और कोर्ट ने इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन भी देखा कि कैसे पहले प्लीडर्स और अटॉर्नीज थे, बैरिस्टर्स आए, फिर धीमे धीमे सार्जेंट जनरल आए, अटॉर्नी जनरल बनने लगे। तो इस हिस्ट्री को भी कोर्ट ने ट्रेस किया, और फाइनली एडवोकेट्स एक्ट पे पहुंचा, जो कि कहता है कि इंडिया में सिर्फ एडवोकेट्स ही होंगे, एक ही क्लास होगा।
तो इन सब के बाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा, अच्छा मैं माइंड में बताना शायद भूल गया कि इसमें सेक्शन 16 वाज द मेन प्रोविजन विच वाज अंडर चैलेंज, और वो बात वही कह रहा है सेक्शन 16 ये कहता है इट कॉन्फर्स पावर ऑन द कोर्ट टू डेजिग्नेट सम एडवोकेट्स एज सीनियर एडवोकेट्स, तो मेनली यही सेक्शन चैलेंज में था। तो कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 16 के साथ साथ तीन पैरामीटर दिए हुए हैं, पहली पैरामीटर है एबिलिटी, दूसरा पैरामीटर है कि स्पेशल एबिलिटी इन लॉ, और तीसरा है स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ, और तीसरा पैरामीटर है कि स्टैंडिंग एट द बार। अब इन तीनों चीज़ों को देखकर सीनियर एडवोकेट डिसाइड होते हैं। तो अगर ये तीन पैरामीटर हैं तो ये तो रीजनेबल पैरामीटर है ही, गिवन कि अगर आपका एक पर्टिकुलर एक एडवोकेट ने 15-20 साल एक ही फील्ड में एक ही फील्ड ऑफ लॉ में गुजार दिए तो ऑब्वियसली ही हैज गॉट अ स्पेशल नॉलेज इन दैट फील्ड ऑफ लॉ, तो ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच, ही हैज स्टैंडिंग एट द बार, ही हैज एबिलिटी, ही हैज एक्सपीरियंस, तो उनको अलग से रिकॉग्नाइज करना कोई गलत बात नहीं है। कोर्ट फिर ये कहती है, कोर्ट अग्रीज कि हाँ इसके लिए गाइडलाइंस होने चाहिए, उसमें कोर्ट मना नहीं करी और वो गाइडलाइंस फाइनली लेड आउट करेगी, और कोर्ट इस बात पे भी अग्री किया उनकी एक बात कोर्ट के एक पटिशनर ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजेज आते हैं वो शॉर्ट टेन्योर के रहते हैं, 2-3 साल बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है या वो रिटायर कर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास उस एडवोकेट के जो कैरेक्टर है, उस एडवोकेट का जो नेचर है या उसकी एबिलिटी है, उसको टेस्ट करने के बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट नहीं होंगे, इसलिए बार के भी मेम्बर होने चाहिए। तो कोर्ट ने ये बात मानी कि हाँ गाइडलाइंस होने चाहिए, बार का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इन कोर्ट ये कहता है कि जस्ट बिकॉज अ प्रोविजन कैन बी मिसयूज्ड इसका मतलब ये नहीं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाए। ये हिंदुस्तान केमिकल्स केस में कोर्ट का ये रेशियो था कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज शुड नॉट डिसाइड वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द मैटर, तो उसी लाइन पे कोर्ट ने यहाँ पे भी कहा। फिर कोर्ट उस आर्ग्यूमेंट को टाइटल वाले को कहता है कि मान लिया आप सीनियर एडवोकेट लगाते हैं तो सर्जन भी तो लगाते हैं, सीनियर सर्जन लगाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लगाते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सो-एंड-सो, कैबिनेट सेक्रेटरी सो-एंड-सो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, पर मतलब इसका और कोई काउंटर एग्जांपल नहीं है। और उसके अलावा कोर्ट ये भी कहता है कि बालाजी राघवन केस आया था जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो मिलते हैं टाइटल्स ये तो मेरिट को रिकोगनाइज करने के लिए मिलते हैं, आर्टिकल 18 का जो मेन पर्पज था वो हेरिडिटरी टाइटल को बार करना था, या मतलब जो कि इनइक्वालिटी पर से जो लाते हैं वो टाइटल, यहाँ पे ऐसा ऐसी बात नहीं हो रही। एक एग्जांपल कोर्ट ने ब्यूरोक्रेसी या डॉक्टर्स के एग्जांपल देकर कहा कि लोग ऐसा इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, ऐसी नहीं कि ये बस एडवोकेट के साथ हो रहा है। फिर उसके बाद कोर्ट का ये कहना था कि एक मतलब कोर्ट अब इन सब बातों के फाइनली वही कहा कि इक्वालिटी वाले वी अग्री कि इक्वालिटी क्लॉज मिसयूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड वी लेड आउट गाइडलाइंस, ऐसा पैरामीटर्स डालेंगे जिससे कि इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे चेक लगाया जा सके। तो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले की कि इसके लिए कमिटी बनेगी, सिलेक्शन कमिटी जिसमें 12 एसोसिएशन के भी मेंबर होंगे, उसके अलावा इट विल बी डिसाइडेड बाय फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट में जो सेक्शन 16 में वर्ड यूज हुआ है इन देयर ओपिनियन, ओपिनियन इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज कर सकते हो। और ये टाटा केमिकल लिमिटेड सैकड़ों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योर सब्जेक्टिव ओपिनियन नीड नॉट मतलब डज नॉट इम्प्लाई इट्स एन आर्बिट्ररी पावर, ऑल्दो वी कैनॉट चेक द सफिशियंसी ऑफ द मटीरियल बट रेलिवेंसी ऑफ द मटीरियल चेक किया जा सकता है। जो कि आपको याद हुआ कि ये फ्रेज कोर्ट यूज करता है जब गवर्नर या प्रेसिडेंट को जिस बेसिस पे उसको गवर्नर को जो गवर्नर रूल अपॉइंट करना होता डिक्लेयर करना होता है, तो वही वाला रूल कोर्ट ने यहाँ कहा कि वी विल आस्क किस ग्राउंड पे आपने सीनियर डेजिग्नेट किया, ये क्वेश्चनेबल है, तो आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, वो ग्राउंड रेलिवेंट होना चाहिए, वी विल नॉट टेस्ट वेदर इट इज सफिशियंट और नो, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए और ग्राउंड होना चाहिए। तो उसी तरह की बात यहाँ पर भी कही। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप एग्रीव्ड हैं उस डिसीजन से तो आप फुल कोर्ट को पिटीशन दे सकते हैं। अगर सपोज कोई किसी बंदे को सीनियर किसी मतलब किसी पर्सन को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट नहीं किया गया तो वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, या अगली बार जब सीनियर डेजिग्नेट का सीनियर एडवोकेट का जब डेजिग्नेशन आएगा तो उसको रिकंसिडर किया जाएगा कि उस बारे में हुआ है अच्छा या नहीं। तो इन गाइडलाइन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केस डिस्पोज कर दिया कि भाई द क्लासिफिकेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हर्ट इज नॉट वॉइड पर से, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, बट हाँ वी अग्री दैट दिस डिक्लेरेशन और दिस डेजिग्नेशन शुड बी मेड मोर ऑब्जेक्टिव एंड शुड बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट। तो इसके साथ ये हमारा केस रहा और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड आई डू होप जो भी आप इसको वॉच कर देख रहे होंगे एक ना एक दिन आप सब लोग सीनियर एडवोकेट जरूर बनेंगे और आप सब लोग इस जजमेंट से खुश रहें कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के प्रोविजन को बचा लिया है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो,
और टिल देन अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए केस के साथ, और टिल देन लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रिस्ट विद लॉ. थैंक यू, बाय बाय.